सावन के सोमवार के, दरअसल सावन का पहला सोमवार है आज और भक्तों के शिव मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव पर बड़ी संख्या में अभिषेक करने श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सावन सोमवार के मौके पर मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं क्योंकि भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खास मौका है और खास त्यौहार, इसी को देखते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और इस बीच श्रद्धालु मंदिर में पहुँच कर जल अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं और आशीर्वाद लिया जा रहा है। सावन का पहला सोमवार है तो ऐसे में भक्तों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और शिवालय भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान है। विशेष आरती की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 72 वर्षों के बाद विशेष योग संयोग बन रहे हैं और ऐसे में जो शुभ मुहूर्त हैं उन शुभ मुहूर्त में आरती करना, पूजन अर्चन करना खास महत्व रखता है। कुछ नहीं, अपनी आस्था और भक्ति को लेकर आए भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, जैसी मेरी हो रही है ऐसी सबकी मनोकामना पूरी करे। हो जाता पूरा दिशम अच्छा हो जाता, जो तुम्हारा रोग है, हम गिर गए थे, हमें जहाँ लग गई थी गुम्मा फूल गया, पर हम ठीक हो गए भोले के लगा लगा के जल और अच्छे हो गए। आज हम आज भोले के दरवाजे खड़े। संख्या में महिलाएं भी भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रही हैं, आशीर्वाद लिया जा रहा है और जल अभिषेक किया जा रहा है। खास महत्व है सावन महीने का और सावन सोमवार का भी, और ऐसे में पहला सोमवार है आज तो काफ़ी संख्या में भक्त भी पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लिया जा रहा है, कई मनोकामनाओं के साथ भक्त पहुँच रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, जहाँ पर मंदिरों में और विशेष जगहों में खास तरह की तैयारियां की गई हैं। और दूसरी तस्वीर में अभी आप देख सकते हैं जहां पर मंदिरों में देखिए किस तरह से भक्तों की कतार लगी हुई है, भक्तों की संख्या में किस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जल अभिषेक किया जा रहा है, रुद्र अभिषेक किया जा रहा है, बेलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कई ऐसी जगहों पर जहाँ पर खासा भीड़ देखने को मिलती है श्रद्धालुओं की, वहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और भक्त आसानी से दर्शन कर सकें। कई मनोकामनाओं के साथ लोग दूर दराज से भगवान महाकाल के दरबार उज्जैन भी पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि वैसे भी पूरे साल भर भक्तों की संख्या लगातार देखने को मिलती है, काफ़ी संख्या में, हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दरबार उज्जैन पहुंचते हैं। वहीं आज खास दिन भी है क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और अब ऐसे में उज्जैन में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कतार लगाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल सावन का महीना शुरू हुआ है तो आज से ही कांवड़ यात्रा भी अब शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्री जो है वो जल लेकर आते हैं और जल चढ़ाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, उत्तराखंड, कई प्रदेशों में खास व्यवस्थाएं कांवड़ियों के लिए की गई हैं क्योंकि कांवड़िया पैदल ही चलकर कई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जल लेकर आते हैं। कांवड़ यात्रा का भी एक विशेष और ख़ास महत्व माना जाता है सावन माह में और ऐसे में कांवड़िए बिना थके एक आस्था के साथ, भक्ति के साथ निकल पड़ते हैं कांवड़ यात्रा लेकर। और कांवड़ लेकर जब निकलते हैं तो इस बीच जगह जगह इन कांवड़ियों का स्वागत भी किया जाता है, स्वागत सत्कार भी किया जाता है और ऐसी कई तस्वीर देखने मिलती है कांवड़ यात्रा के दौरान, जब कांवड़िए विशेष तौर पर पैदल चलकर उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां से जल लाना होता है।